नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक रात 9 बजे। शुरुआत हम अयोध्या से करते हैं, जहां राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवाद बीते 65 सालों से चल रहा है। 65 सालों से अयोध्या में बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरोकारी करने वाले मुद्दई हाशिम अंसारी ने यह बयान देकर सबको चौंका दिया आज कि वो रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। 92 साल के हाशिम अंसारी का कहना है कि उन्हें ये देखकर काफी दुख होता है कि राम के नाम पर राजनीति करने वाले कोठियों में रह रहे हैं और रामलला तिरपाल में। वो रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। हाशिम अंसारी को इस बात का भी मलाल है कि वो 6 दशक से चप्पल चटकाते रहे और दूसरे लोग अपनी राजनीति चमकाते रहे। राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर चलती आ रही सियासत से खिन्न हाशिम अंसारी 6 दिसंबर को मुस्लिम संगठनों की तरफ से होने वाले यौम गम यानी शोक दिवस में भी शामिल नहीं होंगे। जनवरी 50 से लेकर के अब तक बाबरी मस्जिद का मुकदमा चल रहा है, है? क्या सारे लीडर, चाहे वो हिंदू लीडर हों या मुसलमान लीडर हों, बाबरी मस्जिद का नाम लेकर के अपनी रोटियां सेक रहे हैं, हाशिम में कचहरी का चक्कर लगा हुआ, ये नहीं होगा। जितने भी नेता हैं सब तो कोठियों में रह रहे हैं और रामलला तिरपाल में रह रहे हैं। मैं रामलला को तिरपाल में देखना नहीं चाहता। खुद तो बढ़िया मिठाई 100 रुपये किलो की खा रहे हैं और रामलला को इलायची दाना खिला रहे हैं, ये नहीं होगा। अब हम हर कीमत पर रामलला को आज़ाद देखना चाहते हैं।